Hello everyone out here, myself Nidhi and I am first year professional MBBS student at GMC Srinagar. Hope you are doing well and safe at your homes. So this video is all about a hostel room tour video and I know you are waiting since so long. So without wasting your time, let's begin this video and hope so you will love this video. So room है वो बिल्कुल ground floor पे ही है और अभी मैं ground floor पे ही खड़ी हूँ. तो अभी मैं आपको ले जा रही हूँ अपने room की तरफ. Told you this video is all about our room tour of my room in a hostel, and this is not only my room, this is shared by two more of my friends and they are also my batchmates. So just come inside. तो ये हमारा रूम है. यहाँ पे कुछ अलमीराज हैं जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं. एंड ये मेरी फर्स्ट रूममेट मन्नत का बेड है. बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे. और ये नेक्स्ट है, ये मेरी सेकंड रूममेट एंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का बेड है. और ये उसकी वॉल्स है, उसके साइड की वॉल है ये. एंड यहाँ पे भी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं. एंड अब आता है एवरी हॉस्टलर्स फेवरेट कॉर्नर. यहाँ पे खाने का सामान पड़ा है, बर्तन वगैरह पड़े हैं. एंड ये मेरा बेड है एंड आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बोन्स अरेंज किए हैं इंटर्न मैम से. ये मेरे साइड की वॉल है. यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान रखा है मेरा, मेरी बुक्स वगैरह. और अब दरवाजे के ठीक पीछे हम तीनों के कोट्स एंड आईडी कार्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, जल्दी जल्दी उसको पकड़ के हम कॉलेज को निकल जाते हैं. और जो वो लेफ्ट साइड वाला है वो मेरा कोट है. स्विच बोर्ड लगा है. ये मेरी वॉल है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है. और ये वॉल मैंने तब सजाई थी जब हम हॉस्टल में फर्स्ट टाइम आए थे. एंड ये कुछ बोन्स रखी हुई है. होप सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आइडेंटिफाई करके बताएंगे कौन सी बोन क्या है. और फीमर तो आपको दिख ही रही होगी, सामने रखी है. और रिब्स भी दिख रहे होंगे. और बाकी बताएं आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे. मेरा फेवरेट पार्ट तो स्कल है जो मुझे. और इसमें से स्कल बोन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सिर्फ देखने में, क्योंकि पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड बोन है. तो सिर्फ देखने में मुझे सबसे ज़्यादा स्कल बोन अच्छी लगती है. और अब यहाँ पे आता है मेरी वॉल, जो कि जब मैं हॉस्टल में नई नई आई थी तब मैंने डेकोरेट की थी. बट अब मुझे बिल्कुल टाइम मिलता है और मेरी स्पेस ही ब्लैक स्पेस बिल्कुल खाली है. यहाँ थॉट्स लिखे हैं, थोड़े बहुत फ्लावर्स चिपकाए हैं, ये मेरी थोड़ी सी बुक्स पर. और ये मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, थोड़े से फ्लावर्स लगाए हैं, ब्लैक चार्ट्स लगाए थे कि ब्लू चार्ट्स वगैरह बना के चिपकाऊंगी बट, और पेंटिंग्स लगाऊंगी बट मुझे टाइम ही नहीं मिला. थोड़ा बहुत सामान रखा है मेरा. यहाँ पे बेड पे बोन्स पड़ी हुई है, मेरा फ़ोन, मेरे एयरफोन्स, मेरी थोड़ी सी फर्स्ट ईयर की बुक्स, ये थोड़ी सी हैं, थोड़ी बहुत बैग में भी, उनको भी निकालूंगी मैं कभी जब ये ख़त्म होंगी. आई डोंट नो कब ख़त्म होगी. और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का सामान रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ पे ये मैंने ड्राइंग्स बनाई थी जब मेरा नीट का पेपर हो गया था. होप सो मुझे और टाइम मिले, काश मैं और बना पाऊँ. यहाँ साइड लैम्प है जब मेरे दोनों रूममेट सोए होते हैं सुबह के टाइम, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो पूरे रूम की लाइट जला के. एंड यहाँ पे बायोकेम के कुछ साइकिल्स स्टार्टिंग में सीरियस होके बनाए थे. होप सो आगे बायोकेम में से ही पढ़ूँ. यहाँ पे कुछ थॉट्स लिखे हैं, जब थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है तो इसको लगा लेती हूँ, बस यही काम होता है उस टाइम. ये थी मेरी वॉल. यहाँ पे मेरा कुछ स्टेशनरी का सामान है, मेरे ग्लू, सैनिटाइज़र, डायरी, ब्लू पेन, मेरा स्टेथोस्कोप जिसका फर्स्ट ईयर में फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मेरे हाइलाइटर्स, पेन्स, स्केच पेन्स. एंड नीचे वाली साइड भी सामान रखा है. यहाँ पे हाइलाइटर्स, स्केच पेन्स, बाकी सारा सामान है, स्टिकी नोट्स, एनाटमी, फिजियो और बायोकेम की मेरी फाइल्स. एंड इसके नीचे भी सामान रखा है बट वहाँ कैमरा नहीं पहुँच सकता. सो आप सबने मेरी रूम साइड देख ली. अब मैं यहाँ पे इसका कुछ सामान भी पड़ा हुआ है. यहाँ पे दो अलमारीज़ हैं एंड इनमें से हम शेयर कर लेते हैं आपस में. तो इनमें हम अपनी बकेट्स, कपड़े वगैरह जो भी सामान है हमारा वो रखते हैं. और मैक्सिमम मैंने आपको अपना पूरा रूम दिखाई दिया है बट हमारे रूम का एक छोटा सा कॉर्नर रह गया, तो मैं आपको भी वो दिखाने वाली हूँ.
तो ये जो पोर्शन है ये हमारे रूम का एक छोटा सा सबसे प्यारा पोर्शन है। यहाँ पे हमने अपने यूटेंसिल्स वगैरह रखे हैं, बॉटल्स, टिफिन्स एंड खाने का थोड़ा बहुत सामान रखा है। यहाँ पे हमने अपनी केटल्स रखी है जिसमें हम मैगी बना लेते हैं, एग्स बॉईल कर लेते हैं और पानी भी गर्म करते हैं। अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि मैंने और मेरे रूममेट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे इस रूम टूर को जज मत करना एंड ऑल द बेस्ट।